देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गांधी किसके आयु का है कि कौन गांधी जी का, पूरे देश में बहस चल पड़ी है। भाजपा नेता पदयात्रा करके ये जता रहे हैं कि गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के नहीं हैं बल्कि पूरे देश के हैं, जिसमें वो भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भाजपाइयों के पूर्वज बताकर उन्हें गांधी के विरोधी के रूप में दिखाने की कोशिश की है। और क्यों गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवाया जा रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के गांधी प्रेम पर बड़ा तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने गांधी जयंती पर पदयात्रा और दूसरे दिन आयोजनों में शिरकत करने जा रहे नेताओं को गोडसे मुर्दाबाद कहने की चुनौती दी। लेकिन दो दिन बाद भी जब किसी भाजपा नेता ने गोडसे मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए तो भूपेश बघेल ने गोडसे को भाजपाइयों का पूर्वज भी बता डाला। तो गांधी के मानने वाले हैं, गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़े हैं। जब गांधी लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके पूर्वज इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन हृदय परिवर्तन हुआ है। हम तो कहते हैं कि गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगा ले। दरअसल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के 150वें जन्मदिन पर भाजपा खुद को गांधी के साथ खड़ा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस गांधी को आगे करके भाजपा को गोडसे के साथ खड़ा करना चाहती है। लेकिन भूपेश उन्हें गोडसे के साथ वाला बताकर उन्हें गांधी विरोधी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद ट्विटर पर कांग्रेस नेता भाजपा नेताओं से पूछने लगे हैं आखिर वे गोडसे मुर्दाबाद के नारे कब लगाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वे यदि वाकई में इतने गांधीवादी हो गए हैं, इतने गांधी समर्थक हो गए हैं, तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा वो कहां लगाने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी बताएं, धर्मलाल कौशिक जी बताएं, विक्रम उसेंडी बताएं, जगह बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमें इंतजार है, जगह बताएं। सवाल के निशान पर खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक और विक्रम उसेंडी से पूछा गया, लेकिन कोई भी नेता सामने इसका जवाब नहीं दे पाया। अलबत्ता जूनियर नेताओं से पार्टी ने मोर्चा संभाला, लेकिन हर नेता ने अलग अलग बातें कहकर गोडसे मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। देश का प्रत्येक नागरिक उनकी 150वीं जयंती को बड़े उत्साह के साथ में मना रहा है। ऐसे समय में गांधी जी को मानने वाले ये तथाकथित कांग्रेसी 150वीं जयंती को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। ये कहना कि गांधी जी के जिंदाबाद के नारे लगाएं, मुझे लगता है कि इसके प्रमाण पत्र लेने की इस भारत के नागरिकों को कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी को लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पहली बार बेहद सजग है। दरअसल कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये आक्रामकता सबसे ज्यादा नजर आ रही है। कांग्रेस भाजपा को गोडसे की ओर खड़ा दिखाना चाहती है, जबकि भाजपा कांग्रेस के इस दाव को भापते हुए बीच से निकलना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महापुरुषों और भगवान पर होती है राजनीति और कहां तक पहुंचती है। जनता के विकास मुद्दों पर बात करने की वजह से सत्ता और विपक्ष क्यों महापुरुषों को मुद्दे बनाकर बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। महात्मा गांधी के 150